व्हाट्सएप ने मोबाइल स्पाइस एजेंसी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। ये एजेंसी इसराइल की है और व्हाट्सएप ने इल्ज़ाम लगाया है कि एजेंसी कई बार गलत तरीके से टारगेट फोन को हैक किया है। ये मुकदमा कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि कुछ समय व्हाट्सएप कॉलिंग से जुड़ी एक खामी पाई गई थी और कंपनी ने कहा है कि यह एनएसओ ग्रुप की ही हरकत है जिसने इसका फ़ायदा उठाकर स्मार्टफोन पर अटैक किए हैं। दरअसल इस हैकिंग के तरीके के तहत हैकर्स वीडियो कॉलिंग के जरिए टारगेट स्मार्टफोन में स्पायवेयर लोड किया जा सकता है। इस खामी को ढूंढने वाली एजेंसी सिटीजन लैब ने कहा है कि इस तरह के स्पायवेयर अटैक पत्रकारों और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को टारगेट करके किए जा रहे थे। कैट का नाम पेगासस था और इसे इसराइल की एजेंसी एनएसओ ग्रुप ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में कई देश की सरकार इसे यूज करती है। हालांकि एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि कंपनी इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं थी और ये बस सरकार को मुहैया कराने का काम कर रही थी। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाट्सएप हेड विल कैटकॉर्ट ने कहा है कि अमेरिकी स्टेट और फेडरल लॉ के तहत कंपनी चाहती है कि इस स्पाइवेयर अटैक के लिए एनएसओ ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया जाए। एनएसओ ग्रुप ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी इस इल्ज़ाम को सही नहीं मानती है और इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पेगासस की बात करें तो यह एक तरह का स्पाइवेयर है और यह इतना खतरनाक है कि ऑथेंटिकेशन की इनवैलिड होने के बावजूद ये यूज़र अकाउंट प्रभावित करना जारी रखता है। आप इसे दूसरी कंपनियों की कमजोरी भी कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी इस तरह के सॉफ्टवेयर एजेंसियों के लिए तैयार करती है जिसमें सरकारी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल के शुरुआत में युगांडा के लिए कंपनी ने एक पेपर तैयार किया था जिसमें पेगासस का जिक्र है। Mm-hmm.